पिछले कई रविवारों से हम भगवान कृष्ण की काल्य लीला पे चर्चा कर रहे हैं। उसके बीच फिर कुछ गैप आ गया और जन्माष्टमी, राधाष्टमी और फिर मैं भी नहीं थी, तो हमने जहाँ रोका वहाँ से हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है हमने रोका था जहाँ भगवान कृष्ण को कालियों के फैन के बीच में बंधा हुआ रोक दिया था हमने, वहीं पे हमने क्लास रोका था, थिंक श्लोका नंबर 13-15 के बीच में। तो अब वहाँ जहाँ रोका था वहीं से फिर शुरू करेंगे, चलते हैं फिर वृंदावन धाम और आ जाते हैं काली अद्दाह पे, जहाँ पे हमारा सीन रुका हुआ है। सब ब्रजवासी खड़े हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ रास्ते में हैं, आ रहे हैं, और कृष्ण यहाँ पे स्तब्ध है कालिया के फैन के अंदर में। तो हमने लास्ट में ये चर्चा की थी कि कैसे जब देवताओं ने कुछ अपशकुन भेजे तो इनको अपने बच्चे याद नहीं आए, इनको लगा कि कृष्ण कहाँ है, जरूर कृष्ण को कुछ हुआ होगा, तो सब अपने अपने घर से निकल पड़े कृष्ण की खोज में। बस हम वहीं थे। अब हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, टेक्स्ट नंबर 16। स्तंस्तथा कतरन् वीक्ष्या भगवान् माधवो बला प्रहस्या किंचिन्नो वाचा प्रभावाग्नोनुजश्यसा। यहाँ पे कहते हैं कि बलराम जी जब ये सब कुछ हो रहा है तो वो कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ स्माइल दे रहे हैं। तो यहाँ पे कमेंट्री में बोल रहे हैं कि भाई स्माइल क्यों दे रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहे कि अरे क्या हो गया कृष्ण को, या ये भी नहीं बोल रहे कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ स्माइल दे रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि बलराम जी इसीलिए स्माइल दे रहे हैं क्योंकि बलराम जी सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो कभी भगवान ने ऐसा युद्ध नहीं किया, मैं तो इतना बड़ा नाग हूँ, ये तो छोटा सा नाग है, उसके साथ इतना सुंदर युद्ध कर रहे, मेरे साथ कभी युद्ध क्यों नहीं किया। कुछ वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं कि शायद बलराम जी ये सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझे बहुत सुंदर बर्थडे गिफ्ट दिया, बलराम जी का बर्थडे था ना, बलराम जी का बर्थडे था इसलिए तो बलराम जी नहीं गए, नहीं तो हमेशा कृष्ण के साथ सुबह वे भी गाय चराने चले जाते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन में बलराम जी का जन्मदिन था, तो क्योंकि उनका जन्मदिन था कुछ रोहिणी माता जी विशेष पूजा करवा रही थी तो उनको रोक दिया गया था। तो बलराम जी अब सोच रहे कि ये तो मेरे बर्थडे का एक विशेष गिफ्ट हो गया, कि कृष्ण क्या कर रहे, बर्थडे गिफ्ट कैसे हो गया, क्योंकि ये जो कालिया है ये बलराम जी के फैमिली मेम्बर है ना, बलराम जी नाग है तो ये सारे जो नाग है उनके फैमिली मेम्बर्स है, तो सोच रहे हैं कि हमारे एक फैमिली मेम्बर को आज भगवान तार देंगे, उसका उद्धार करेंगे, तो इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट और क्या हो सकता है, मेरे एक फैमिली मेम्बर को भगवान उद्धार कर रहे हैं। अब कुछ वैष्णव आचार्य बोलते नहीं नहीं ये भी कारण नहीं है, एक्चुअली बलराम जी इसलिए स्माइल दे रहे हैं क्योंकि बलराम जी सोच रहे हैं कि कृष्ण जो स्तब्ध है ना, बिल्कुल हिल नहीं रहे, इसका कारण क्या है। तो बलराम जी सोच रहे हैं कि भगवान को तो आदत है ना शेषनाग पे सोने की, लेकिन यहाँ पे रोज़ यशोदा माता चारपाई पे सुला रही है, तो अब भगवान सोच रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक टू माय बेड, फाइनली मैं अपने बेड पे आ गया, क्योंकि उनको आदत है ना वो सांप के सॉफ्ट सॉफ्ट उसमें, तो इसलिए जैसे ही कालिया के को भगवान ने छुआ उनको नींद आ गई, जैसे आदत हो जाती है ना जब एक पर्टिकुलर बेड की तो हमें अपने बेड पे ही नींद आती है, तो भगवान को जो है एकदम नींद आ गई और दो घंटे के बाद में वो जब उठे तब देखा कि ये लोग सब रो क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा मैं कालिया के फेंग में हूँ और ये लोग सब रो रहे, लेकिन भगवान एकदम आनंद में है। तो बलराम जी सोच रहे कि अच्छा तुम तो आनंद से सो रहे हो कि तुमको तुम्हारा बेड मिल गया, तो यहाँ पे बोल रहे कि बलराम जी कुछ नहीं बोल रहे, बस वो सिर्फ स्माइल दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, तेन्वेषा मनदायितं कृष्णं सुचीतया पदे भगवाल्लक्षणेर्जग्मो पादाव्यायमुना तटम। अब हमने पिछले श्लोक में सुना कि सब जल्दी जल्दी बाजी में जा रहे हैं, कृष्ण को ढूंढने जा रहे हैं,
तो हमें प्रश्न आ सकता है कि कृष्ण को ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि हम तो जानते हैं वृंदावन में तो 12 अलग अलग फॉरेस्ट है, कौन से वन में आज कृष्ण गए हैं कैसे पता चलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सिंपली भगवान कृष्ण के जो पाद पद्म के चिन्ह मट्टी में बने पड़े हुए हैं उसको फॉलो करते हुए वे चले जा रहे हैं। तो आप कोई बोल सकता है कि उस चिन्हों के साथ तो और कहीं चिन्ह होंगे, क्योंकि उनके साथ गोप बालक जाते थे, बछड़े जाते थे, गाय जाती थी, 9 लाख गाय, तो उसमें भगवान का कैसे पता चलेगा कि कौन सा उनका चिन्ह है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं यूनिक साइन, कुछ विशेष निशान होते थे भगवान के पैरों के, इसलिए पता चल जाता था कि ये भगवान कृष्ण के पैरों का चिन्ह है। अब वो विशेष चिन्ह क्या है नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। ते तत्रा तत्राब्ज यवना कुशासनी द्वाजापपानने पादानि विश्पते मार्गे गवम अन्य पदांतरंतरे निरीक्षमानं ययुरंग सात्वरा। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान के श्री चरण के जो पीछे की साइड होती है उसमें क्या क्या निशान होते हैं बता रहे हैं। भगवान के जो श्री चरण होते हैं उनकी दाई ओर 11 साइन होते हैं और बाई ओर 8 साइन होते हैं। एज डिवोटीज इस साइंस को मेडिटेट करना, बाई हार्ट करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बोले कि ये 11 साइंस क्या क्या है, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। ते तत्र तत्राब्ज, अब्ज माने कमल का फूल, तो बोलते हैं कि भगवान के पैरों के पीछे कमल के फूल का चिन्ह बना हुआ होता है। अब क्यों कमल के फूल का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि कमल के फूल किसका प्रतिनिधित्व करता है, लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों में रहती है। तो बोलते हैं कि भगवान के श्री चरण का जो आश्रय रहता है उसे लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। कुछ वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि भगवान के श्री चरण के पीछे कमल का इसलिए भी निशान है क्योंकि कमल बहुत मुलायम होता है और भगवान के पैर भी बहुत मुलायम होते हैं। और कुछ का कहना है कि सारे फूलों में कमल सबसे सुंदर होता है और भगवान के चरण भी सबसे सुंदर होते हैं, इसलिए कमल का चिन्ह होता है। दूसरा बोलते हैं यव, यव माने जो बार्ली, बार्ली को हिंदी में जो बोलते हैं, तो जौ का भी एक सिंबल होता है भगवान के श्री चरण के पीछे। अब जो लेने से क्या होता है, पोषण मिलता है, तो भगवान के श्री चरण का जो आश्रय लेते हैं उन्हें भी पोषण मिलता है। कैसा पोषण, आध्यात्मिक पोषण, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पोषण मिलता है जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। भगवान तो खुद ही बोलते हैं ना भगवद गीता में कि मेरे बारे में जानना है या समझना है तो मेरी कृपा होगी तभी समझ पाओगे। तो जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, उनकी कृपा होगी, तभी तो उनके बारे में हम समझ पाएंगे, और जब उनके बारे में समझ पाएंगे तो हमें पोषण मिलेगा, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद में लिखा है अंकुशाने, अंकुश माने हाथियों को कंट्रोल करने के लिए जो महावत डंडा जैसे पकड़ते हैं ना, तो वो भी भगवान के श्री चरण के पीछे है। तो उसका मतलब ये है कि जो डिवोटीज है, भक्त है, उनका भी मन कभी कभी हाथी के जैसे चंचल हो जाता है, यहाँ वहाँ भागता है, लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है भगवान उसका मन कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से महावत हाथी को कंट्रोल करता है, भगवान भक्तों के हृदय को, मन को कंट्रोल करता है। कुछ वैष्णवाचार्य बोलते नहीं नहीं ऐसा भी है कि जो भगवान के श्री चरण का शरणागति लेता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है और उसको जीवन में बहुत उत्तम स्थान मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं चरित्र में भी राजाओं, जो राजा होते थे वे हाथी पे बैठते थे, सैनिक वगैरह घोड़े में बैठते हैं, जो बड़ा होता है जिसको उत्तम स्थान दिया जाता है वो ही बैठता है हाथी के ऊपर में। तो बोलता है कि जो भगवान के श्रीचरण की शरण लेता है उसको भगवान हाथी पे बिठाते हैं, माने बहुत बड़ा पोस्ट या बहुत बड़ी पोजिशन उनकी सेवा में देते हैं। उसके बाद लिखा है असानी माने वज्र, जैसे इंद्र का होता है वज्र, वो भी भगवान के
चरणों के पीछे साइन होती है। तो वज्र का मतलब है कि जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान वज्र से उनके किए हुए सारे पापों को मिटा देते हैं, नाश कर देते हैं। और कुछ आचार्य बोलते हैं कि वज्र के सिंबल का मतलब ये भी है कि उसको इंद्र की जैसे पोजीशन मिलती है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है। नेक्स्ट लिखा है ध्वज। ध्वज माने झंडा, माने जय पताका, माने विजयी झंडा। सो जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उनके जीवन में सब कुछ विजयी होता है, उनकी पराजय कभी नहीं होती। दूसरा लक्षण लिखा है चक्र, माने सुदर्शन चक्र। तो भगवान के चरणों के आश्रय लेने वाले का क्या होता है, उसके मन में जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य सब भगवान नाश कर देते हैं। फिर लिखा है ऊर्ध्वरेखा। ऊर्ध्वरेखा माने जो भगवान के श्री चरण का आश्रय लेते हैं वो हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं, माने ऊपर के लोकों में प्रवेश करते हैं, उनकी कभी अधोगत, माने नीचे नहीं पतन नहीं होता है उनका। जैसे भगवान खुद भगवद गीता में बोलते हैं ना, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान के चरणों के आश्रय लेने वाले का हमेशा ऊपर की ओर प्रस्थान होता है, नीचे नहीं आते हैं। और एक साइन है छतरी। छतरी माने अम्ब्रेला। अब छतरी का काम क्या है, बारिश से हमें बचाना। तो भगवान क्या करते हैं, जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं उन्हें मेटीरियल डिज़ायर्स से बचाते हैं। ये जो हमारी इतनी सारी इच्छाएं होती है, अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय ले तो उस इच्छाओं से हमें बचाते हैं, भौतिक दुखों से हमें बचाते हैं। और जब हमारे जीवन में भी कष्ट आता है भगवान हमें रक्षा देते हैं। जैसे ब्रजवासियों को भगवान ने रक्षा दी थी ना गोवर्धन उठा के, तो उस तरह से भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। उसके बाद में आता है साइन स्वास्तिक। भगवान के पैरों में चार स्वास्तिक के सिंबल है। स्वास्तिक माने सब कुछ शुभ होना, मंगलमय होना। तो जिसके जीवन में भगवान के श्री चरण का प्रवेश हो गया है, जिनके मन में, हृदय में, उनके घर में, उनके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। और फिर आता है अष्टकोण माने ऑक्टेगन। तो बोलते भगवान की चरणों का शरण लेने वाले को भगवान आठों दिशाओं से रक्षा करते हैं। बोलते हैं ना अष्ट दिक्पाल, आठ दिशाएं है ना, आठों दिशाओं से भगवान रक्षा करते हैं। फिर एक लास्ट सिंबल है चार जाम्बू फल। तो बोलते हैं कि जो इस जम्बू द्वीप में रहते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे जीवों से भगवान का विशेष प्रेम है, वो उनकी रक्षा करते हैं। तो ये सारे हो गए भगवान के दाएं पैर। अब आ गए बाएं पैर। बाएं पैर में क्या क्या निशान है, मत्स्य। मत्स्य माने मछली। तो बोलते हैं कि मछली का निशान क्यों है, क्योंकि भगवान मत्स्य रूप में आए थे भक्तों की रक्षा करने के लिए। और बोलते हैं कि जिस तरह से एक मछली पानी के बिना नहीं जी सकती है, उसी तरह से भगवान के जो भक्त है वो भगवान के बिना नहीं रह सकते, और भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। कुछ वैष्णव आचार्यों का बोलना है नहीं, मछली का मतलब ये है कि जिस तरह से एक मछली को अगर जिंदा रहना है तो उसे पानी चाहिए, ड्राई एटमॉस्फेयर में वो जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरह से भक्ति या भगवान तो उसी के हृदय में रहते हैं जिसका हृदय भीगा हो भक्ति से, जो एकदम ड्राई हो, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, उसके हृदय में भगवान नहीं आते। कोई और आचार्य बोलते नहीं नहीं मत्स्य का मतलब ये भी है, क्योंकि मैंने आपको ये कथा बताई थी कैसे मदन जाते हैं, मदन जो होता है क्यूपिड, भगवान को अटैक करने के लिए द्वारका जाता है और वहाँ पे वो काम का बाण भगवान के ऊपर फेंकता है। लेकिन काम का बाण भगवान को तो क्या लगेगा, उसके पहले ही वो मदन नीचे गिर जाता है भगवान की सुंदरता देख के। तो क्योंकि मदन नीचे गिर जाता है, मदन का जो ध्वज है मकर ध्वज वो भी नीचे गिर जाता है और भगवान उसके ऊपर में पैर रख के चले जाते हैं। उसका मतलब भगवान बोलना चाह रहे हैं कि मदन जो है, क्यूपिड जो है, मेरे पैरों के नीचे रहता है, मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। दूसरा सिंबल है त्रिकोण। त्रिकोण माने ट्रायंगल। तो
इसका मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान की आराधना करते हैं। अब कुछ आचार्य बोलते हैं, नहीं, उसका मतलब यह है कि जो अपना मन से काया से वचन से भगवान की सेवा करे ऐसे लोगों को भगवान आश्रय देते हैं। कुछ का कहना है ऐसा नहीं, त्रिकोण का मतलब ये है कि ये जो त्रिविध ताप है ना, आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, आप जानते हैं त्रिविधता, हर एक जीव को सफ़र करना पड़ता है। कभी कभी दूसरे जीव हमें तकलीफ़ देते हैं, कभी कभी प्रकृति हमें तकलीफ़ देते हैं, कभी कभी हमारा शरीर हमें खुद तकलीफ़ देता है। जो ये त्रिविध ताप जो है उससे भगवान बचाते हैं किनको, जो भगवान के श्रीचरण का आश्रय लेता है। दूसरा सिंबल है आधा चंद्रमा। तो बोलते हैं कि जो भगवान के चरणों का आश्रय ले, अब चंद्रमा क्या करता है, शीतल, चंद्रमा की जो रेज होती है, सूर्य की किरण ताप देती है, चंद्रमा की किरण शीतल होती है, मन को शांत कर देती है। तो बोलते हैं कि भगवान के चरण भी ऐसे हैं, जब भगवान के चरणों का आश्रय ले तो हमारा मन शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ बोलते नहीं नहीं इसका मतलब ये भी है कि शिव जी जिनके सर पे त्रिकोण है वो भी भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले रहे हैं। और कुछ बोल रहे हैं कि चंद्रमा का मतलब ये भी है कि ये जो कली का या भौतिक जगत का ताप है उससे भगवान के सिवाय हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। जैसे ये श्लोक है ना, अहो अहो भीर नकलेर विदुयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतले यशो यशोदा तनयस्य गीयते। अहो अहो भीर नकलेर विदुयते, अहो अहो भीर नकलेर विदुयते, ये जो कली है इसका जो विद्युत जो इसका रेज है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक आदमी है जिसको इसका स्ट्रांग रेज टच नहीं होता है, इनफैक्ट उसको उसका उल्टा हो रहा है, सुधा सुधारा, उसको लगता है कि रोज़ मेरे पे कोई अमृत की वर्षा कर रहे हैं, मधुरम पदे पदे, उसको पदे पदे एकदम मधुरता का आभास हो रहा है, दिने दिने चंदन चंद्र शीतले, दिने दिने रोज़ उसको लगता है कि कोई चंदन घस के उसको लगा रहा है, चंद्र शीतले, चंद्रमा की चांदनी जो होती है शीतल पवन उस पर आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, सब तड़प रहे हैं, सबको गर्मी लग रही है, उसका एयर कंडीशन एक्सक्लूसिवली चला हुआ है, उसको तो ठंडा लग रहा है, क्यों, यशो यशोदा तनयस्य गीयते, यशो यशोदा, यशोदा का तनयस्य बेटा जो है, यशोदा के बेटे के बारे में वो सुनता है, गाता है, उसको सरेंडर करता है, उसका आश्रय लेता है, इसलिए उसको कुछ नहीं होता है। तो यही है यहाँ पे, जो भगवान के श्री चरण का आश्रय लेता है उसके जीवन में चंद्रमा के शीतलता का आभास उसको होता है। दूसरा साइन है पानी के मटके। तो वैष्णवाचार्य बोलते हैं पानी के मटके का मतलब है कि भगवान के श्री चरण गंगा जी के स्रोत है, गंगा जी के सोर्स है, स्रोत वहाँ से गंगा जी आती है। और इसका ये मतलब एक ये भी है कि जिसके जीवन में भगवान के चरणों का आश्रय है उसको कभी ताप नहीं लगेगा, क्योंकि चार चार पानी के घड़े भरे हुए भगवान उसको डालते रहते हैं, शांत करते रहते हैं। दूसरा साइन है गोष्पद। गोष्पद माने जो बछड़े होते हैं जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के निशान पड़ जाते हैं मिट्टी में, थोड़ा सा खड्डा बन जाता है। अब उस खड्डे में पानी इतना सा ही, अगर आप बारिश आए तो उस खड्डे में थोड़ा सा पानी होता है। अगर आपको कोई बोले कि समुद्र को पार करो तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नदी को पार करो तो भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि ये गोष्पद में जितना पानी है ज़रा उसको पार करो तो बोलेगे उसमें क्या पार करना है, पैर ऐसे रखो और पार हो गया। तो बोलते कि जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं उनके लिए ये भवसागर पार करना बस गोष्पद को पार करना है, बस छोटा सा गाय के बछड़े के पाद जो है
पैर है उनको पार करना है। तो ये भी एक भगवान के पैरों के निशान है। और एक है धनुष, प्रत्यंचा बिना चढ़ाया हुआ धनुष भी भगवान के पैरों के निशानों में से एक है, जिसका मतलब है भगवान जीवों की सारी चिंताएं ले लेते हैं। जो भगवान का आश्रय लेता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरा सिंबल है अंबर, अंबर माने आकाश। तो भगवान कहाँ कहाँ है, तो बोल रहे भगवान पूरी सृष्टि में है, तीनों लोकों में है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि शायद भगवान अनलिमिटेड है, जैसे कि आकाश की कोई लिमिट नहीं होती, हम आकाश को माप नहीं सकते, उसी तरह से भगवान को कोई माप नहीं सकता। लास्ट साइन है शंख। जैसे हम आरती के समय शंख बजाते हैं तो क्या होता है, शंख बजाने से सारी नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है, शंख बजाने से हम जय, जैसे बोलते हैं ना कि एक जय ध्वनि जैसा विजयी, तो जो भगवान के भक्त है उनके जीवन में सब जय होता है, सारी नेगेटिव एनर्जीज चली जाती है। और दूसरा फायदा यह है कि भय चला जाता है, राइट, भय चला जाता है, जो भय लगता है, लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं उन्हें भय नहीं लगता है, वो निर्भय हो जाते हैं। तो ये है भगवान के बाएं पैरों के निशान। तो अगर हम ये अपने मेडिटेशन में रखें, भगवान के दाहिने पैर और बाएं पैर में क्या क्या निशान है, और हम हमेशा उस पर मेडिटेट करते रहें, तो हम भी भय से मुक्त हो सकते हैं। हमें भगवान के श्री चरणों की आश्रय लेना चाहिए, शरणागति लेनी चाहिए। जब हम मंदिर में भी भगवान का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले भगवान के श्री चरण को तरफ हमें देखना चाहिए। साधारण तो हम टेम्प्ट हो जाते हैं भगवान के श्री मुख पे, उनका मुख देखना चाहते हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। सबसे पहले भगवान के चरण, उसके बाद थोड़ा ऊपर, और फिर जाते हुए उनके श्री मुख की तरफ देखना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये है भगवान के चरणों में अलग अलग चिन्ह। इसीलिए ये जो व्रजवासी थे उनको पता चल गया कि कृष्ण किस ओर गए हैं। इसमें इसी श्लोक के तात्पर्य में सनातन गोस्वामी कमेंट्री देते हैं कि किसी को भी ये प्रश्न आ सकता है कि इतने सारे बछड़े थे, गाय थे, गोप बालक थे, अच्छा आप बोल दिए कि भगवान के जो श्री चरण है वो थोड़े अलग से है क्योंकि उनमें अलग से निशान है, मान लिया इस बात को, लेकिन दूसरे के निशान भी तो भगवान के निशान पे पड़ सकते थे ना, क्योंकि इतने सारे एक साथ में सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आगे आगे चल रहे हैं और सब पीछे चल रहे हैं, सब भगवान के साथ चल रहे हैं। तो भगवान के चरणों पे उनकी चरण मुद्रा क्यों नहीं पड़ी, इतना क्लियरली कैसे वे भगवान के चरणों को फॉलो कर पा रहे थे, भगवान के जो पाद पद्म है कैसे उन पे किसी ने पैर नहीं रखा, या वो मिट क्यों नहीं गए, या थोड़ा देर हो गया ना भगवान को तो जाके बहुत टाइम हो गया, फिर ये सब कालिया लीला हुआ तो अब तक तो वो मिट गए होंगे। भगवान के जो पाद पद्म है, अगर आप ध्यान दो तो जब भी भगवान के पैरों की बात आती है तो हम बोलते हैं पाद पद्म। पाद पद्म माने लोटस फीट, भगवान के जो चरण है वो एकदम पद्म जैसे है। पिछले दिन मैं पूना गई थी तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची ने ये डाउट पूछा कि माता जी हमेशा भगवान के जो फीट है उनको लोटस फीट ही क्यों बोलते हैं, और कुछ क्यों नहीं बोलते, लोटस फीट लोटस फीट लोटस फीट, ये क्यों हम इतना पर्टिकुलरली बोलते हैं, इसके पीछे एक कारण है क्यों हम भगवान के जो पैर है उन्हें लोटस फीट कहते हैं। भगवान का जो धाम है वो एक लोटस के आकार में बना हुआ है, और भगवान के धाम पे भगवान के पैर हैं। अब जब भगवान इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो उनके साथ उनका पूरा धाम लेके आते हैं, उसका मतलब उनका धाम यहाँ भी है, और यहाँ जब भगवान के पैर है तो उनके धाम पे ही उनका पैर है, उसका मतलब लोटस से अलग भगवान का पैर कहीं है ही नहीं। जहाँ उनका पैर है मतलब उनका धाम है, और उनका धाम मतलब वो एक कमल के आकार में है। अब यहाँ भी देखिए भगवान किस पे खड़े हैं, आप कोई भी मंदिर में जाओ भगवान एक कमल के फूल पे खड़े हुए हैं, तो ये उनका, इसलिए उनके फीट को लोटस फीट कहते हैं। ऑफ़ कोर्स उसका और भी रीज़न है कि
भगवान के फीट सुंदर है, लोटस जैसे देखने में है, और एक ये भी रीज़न है शायद हम इस भौतिक जगत में लोटस से ज़्यादा और कोई सुंदर फूल को जानते ही नहीं हैं, और लोटस सॉफ्ट है, भगवान के फीट सॉफ्ट है इसलिए भी। लेकिन मेन कारण तो ये है कि भगवान के पैर हमेशा वो जो लोटस आकार, गोलोक वृंदावन का जो आकार है वो भी ऐसा ही है, एक लोटस फूल जैसा, और उस पर भगवान का, भगवान के पैरों को तीर्थपाद भी कहा गया है, सारे तीर्थों का सार। एक बार जो भगवान के चरणों का आश्रय ले ले उसे और कोई तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे तीर्थों का सार भगवान के श्री चरण है। अगर हम देखें तो जो भक्त है वो भगवान के चरणों का आश्रय लेगा, जैसे अभी हम प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद का मतलब क्या है, प्रभुपाद का मतलब क्या है, इतने सालों से हम बोले जय प्रभुपाद, प्रभुपाद का मतलब क्या है किसी को पता नहीं है, प्रभुपाद का मतलब क्या है, मतलब जो भगवान के पैरों के पास है वो है प्रभुपाद। हम प्रभुपाद क्यों बोलते हैं, प्रभुपाद बोलने के दो अर्थ है, एक तो ये कि जो प्रभु के पाद के पास में बैठा हुआ है, माने प्रभु माने कृष्ण, और जो कृष्ण के पाद, कृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं वो है प्रभुपाद। प्रभुपाद का और एक मतलब ये भी है कि जिनके पाद के पास या जिनके पैरों के पास बहुत सारे प्रभु बैठे हैं, माने गुरु, गुरु के पैर के पास सब बैठते हैं ना, गुरु के चरणों के पास सारे शिष्य बैठते हैं, तो हम अब एक दूसरे को इस्कॉन में क्या बोलते हैं, प्रभु, प्रभु माने क्या, मालिक, मास्टर, तो हम एक दूसरे को बोलते हैं भाई आप हमारे मास्टर है, तो अब ये जो इतने सारे मास्टर हैं वो किन के पैर के पास बैठते हैं, वो है प्रभु पाद माने गुरु। समझ में आया बात, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ हम मैकेनिकली नहीं करनी है, समझनी है बात, हम क्यों बोलते हैं उनको प्रभुपाद। रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, इसका कारण एक ये भी है कि चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करना या उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया रूप गोस्वामी ने, इसलिए उनको बोला जाता है रूप गोस्वामी प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रभुपाद बोला जाता है क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं का, आदेशों का पालन उन्होंने किया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छाओं का पालन किया हमारे श्रील प्रभुपाद ने, इसलिए उनको भी प्रभुपाद बोला जाता है। प्रभुपाद के तो प्रणाम मंत्र में ही ये बात है, क्या है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने, नमो ओम, नमस्कार किसनो, किसको, विष्णु पदाय, कौन है विष्णु के पाद के पास, प्रभुपाद जी, आप विष्णु के पाद के पास, विष्णु के चरणों के पास में आप बैठे हो, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय, आप कृष्ण के प्रिय हो, आप कृष्ण को बहुत अच्छे लगते हो, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, भूतले माने ये भूलोक, इस भूलोक में आप सबसे प्रिय हो कृष्ण के, भूतले श्रीमते, श्रीमते माने जो सुंदर है, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने, ये आपका नाम है इसलिए आप हमारे लिए पूजनीय है, ये जो आपका नाम है श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, आप कृष्ण के, विष्णु के पाद के पास में बैठे हो और आप कृष्ण के प्रिय हो, इस भूतल में आपको हमारा प्रणाम, रोज गा रहे हो नमो विष्णु पदाय, मतलब पता नहीं, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चतादेशतारिणे, नमस्ते सरस्वती देवे, भक्ति वेदा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य आपको हमारा नमस्कार, नमस्ते सरस्वती देवी, गौरवाणी प्रचारिणी, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार आपने किया है, गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी कौन थे वो लोग, पाश्चात्य देश में
पाश्चात्य देश भरा पड़ा था निर्विशेषवादियों से, शून्यवादियों से, ऐसे लोगों को आपने क्या किया, जाके भक्त बनाया। पाश्चात्य देश तार इन्हें, आपने तार दिया। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को हमारा प्रणाम है। तो यहाँ पे भी कितना इम्पोर्टेंट है, नमो ओम विष्णु पादाय, जो भगवान के श्री चरण की शरणागति लेते हैं, ऐसे है हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, इसलिए हमें इस पर मेडिटेट करना चाहिए। तो ओके, एनीवे, कमिंग बैक, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे कि भाई किसी ने उस पर स्टैम्प क्यों नहीं किया, तो उसके डिटेल्स में कमेंट्री में बताते हैं कि उनके लिए भगवान इतने प्रिय थे कि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज़ उनके लिए बहुत प्रिय थी। जैसे आजकल के युवकों को फिल्म स्टार्स से बहुत लगाव है, तो फिल्म स्टार्स से संबंधित हर चीज़ उन्हें बहुत प्यारी लगती है। अगर वो फिल्म स्टार छू के कोई टी शर्ट पे साइन कर दे तो वो पैसा दे के उसको लेने के लिए तैयार है। उसको कौन सा कलर पसंद है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, वो क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, उसके साथ उनका बहुत लगाव होता है, विशेष लगाव। उसी तरह से जो कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ उनको बहुत प्यारी लगती है। इसीलिए वृंदावन में व्रजवासी जहाँ जहाँ कृष्ण के पैरों के चिन्ह या निशान बने रहते थे, वे उस पर पैर नहीं लगाते थे। व्रजवासी ही नहीं, ये जो गाय थी या बछड़े थे, वे भी बहुत केयरफुल रहते थे। जहाँ भगवान के पैर है उस पर पैर नहीं लगाते थे, उनके लिए वो भी बहुत पूजनीय थे। विष्णु पुराण में कथा आती है कैसे जब द्वारका की पूरी लीला हो जाती है और कृष्ण आते हैं ब्रजवासियों को मिलने के लिए, तो वो दारुका को लेके आते हैं अपने रथ में, और जब वो गोपिकाओं को मिलते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो दारुका देखता है कि ये जो गोपी है, ये कृष्ण का जो रथ है उसे भी कृष्ण के जैसे प्यार करते हैं। कृष्ण का जो रथ का चक्र है उसको साफ करना, उसको आलिंगन करना, तो दारुका सोचता है कि अरे इतना प्यार तो इस रथ को मैंने भी कभी नहीं किया, हालांकि मैं ड्राइवर हूँ, मुझे इस रथ को साफ करना चाहिए, लेकिन इतना प्यार करते हैं क्योंकि इस कृष्ण ने इसको छुआ है, तो उनके लिए वो सब कुछ पूजनीय है। कृष्ण का रथ, कृष्ण को छुई हुई हर चीज़ उनको बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में आता है कैसे अक्रूर भी जब व्रज में एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, रथ से नीचे उतर के जहाँ जहाँ कृष्ण के श्रीचरण के निशान बने हुए हैं वहाँ पर वो रोते हैं, उसको देख के व्रज की माटी में वो रोल करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं कृष्ण की जहाँ जहाँ चिन्ह बने हुए हैं। हमें भी कृष्ण से संबंधित हर चीज़ को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम कृष्ण को प्यार करते हैं तो हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ मंदिरों में, नाम नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन कुछ लोकल मंदिरों में हम देखते हैं कि तुलसी का उपयोग बहुत ही लूजली करते हैं। अगर आप क्यू लाइन में खड़े रहो दर्शन में तो पैरों के नीचे आपको तुलसी आती है, ये नहीं करना चाहिए, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक बार जो चीज़ भगवान के चरणों में ऑफर की गई है उसके बाद वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, उस पर हमारा पैर नहीं लगना चाहिए, अब वो हमारे सिर पे धारण करने लायक है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम कभी कभी उस चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते, पर बेशक दूसरे उनकी टेक केयर ना करें, पर अगर हमारी दृष्टि उस पर पड़े तो हमें उठा के कहीं ऊपर कहीं रख देना चाहिए जहाँ पे किसी के चरण ना पड़े। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोपिकाओं को भगवान के श्री चरण से विशेष प्रेम था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31st चैप्टर में गोपी गीत आता है, उसमें भी अगर आप पढ़ो तो भगवान के चरणों का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। प्राय हर एक दो अल्टरनेट श्लोक में भगवान के चरण के बारे में बोलते हैं। गोपिकाएं गाती है, प्रणत देहि नाम पापकर्षणम त्रिनचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदम भुजम त्रिनकुचेशुना कृन्दिहिच्छनम। बोलते हैं कि ये जो आपके पैर है, प्रणत देही नाम, प्रणत माने सरेंडर, देही नाम माने जीवात्मा, हम लोग, देह माने शरीर,
और हमारे आत्मा ने क्या किया है, हम तो देह नहीं है, आत्मा है, लेकिन हमारी आत्मा ने क्या किया है, देह को धारण किया है, इसलिए हम बन गए हैं देही नाम, हमने देह को धारण किया है। तो प्रणत देही नाम, जो जीवात्मा प्रणत भगवान के श्री चरणों पे सरेंडर हो जाते हैं, आश्रय लेते हैं, उनका क्या होता है, प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, जितने भी उन्होंने पाप किए हैं सारे पाप से वे मुक्त हो जाता। त्रिनचरानुगम से एक्चुअली ये सॉन्ग कंप्लेनिंग मूड में है, गोपिकाएं फरियाद कर रही है कि भाई आपके जो ये पैर है, जो जीव उस पैर को सरेंडर करता है, आश्रय लेता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और त्रिनचरानुगम, ये जो गाय बछड़े जिनको आप लेके जाते हो ना रोज घास चरने के लिए, उनके पीछे पीछे भी आपके ये श्रीचरण घूमते हैं, वहाँ भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हमेशा उनके पीछे पीछे घूमते हो कि वो क्या खा रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं। त्रिनचरानुगम श्री निकेतनम, लक्ष्मी देवी जो है वो भी आपके पैरों की सेवा करती है, बहुत अच्छी बात है। फनी फनार्पितम ते पदम भुजम, अच्छा वो जो पॉइजनस विशेला कालिया सांप था उसको भी आपके श्रीचरण फ्री में मिल गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई ये कालिया जो सांप है ये तो पूरा विष से भरा हुआ है, तो मैं मेरे पैर रखूँगा तो शायद जलेगा, सोचा नहीं आपने, इजीली उसके ऊपर भी दे दिए। लेकिन हम जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते हैं, हम मांग रहे हैं कि आपके श्रीचरण, आपके जो पैर है हमारी छाती पर रख दो, तो उसके लिए आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम, हम इतना ही मांग रहे हैं ना कि जो चरण गायों के पीछे जाते हैं, जो चरण कालिया के ऊपर में है, जो चरण लक्ष्मी देवी पूजा करती है, जो चरण का आश्रय लेके ये सारे जीव तर जाते हैं, वो चरण हमारे हृदय पे, हमारे छाती पे आप रख दो। तो आप देखो पूरा गोपी गीत में ऐसे बहुत सारे स्टैंजा आते हैं जहाँ पे उनको चिंता है कि भगवान के जो श्री चरण है कहीं उनको लग तो नहीं जा रहा है, उनके चरणों का क्या हो रहा है, सबसे बड़ी फिक्र है। अगर आप श्रीमद् भागवतम के नवमें स्कंद में देखो 11वां अध्याय 19वां श्लोक, उसमें भी बोलते हैं कि जब श्री राम जी दंडकारण्य में चलते थे तब वे सारे बहुत दुख करते थे भक्त कि कहीं उनके पैरों में कांटा तो नहीं लग गया उनको, और अगर ऐसा पता चला कि उनके पैर में कांटा लग गया तो भक्त लोग मूर्छित होकर गिर जाते थे रोते हुए कि कैसे उनके पैर में कांटा लग गया। और फिर सेकेंड लाइन में बताते हैं कि ऐसे जो श्री राम जी के चरण है, उन चरणों को जब वो साकेत धाम जा रहे थे, अयोध्या वापस जा रहे थे, ये पूरी जो नर लीला थी यहाँ पे जो भूलोक में लीला थी ख़त्म करके जब वो जा रहे थे, तब ऐसे श्री चरणों को वो यहीं छोड़ के चले गए। तो भाई भक्त पूछ सकते भाई कहाँ छोड़ के चले गए, तो वो 19वें श्लोका में बोलते कि ऐसे चरणों को भगवान उनके हृदय में छोड़ के चले गए जो हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं। माने वैष्णवों के हृदय में भगवान अपने चरण को छोड़ के निज धाम चले गए। तो अगर आज के दिन में हम अगर चाहे कि हम भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहे, हम भगवान के चरणों की सेवा करने चाहते हैं, तो अब हमें एड्रेस पता चल गया कि चरण छोड़े कहाँ हैं, चरण छोड़े हैं, सब भागवत पढ़ो तो उसमें सब मिल जाता है। तो चरण छोड़े हैं वैष्णवों के हृदय में। तो जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनकी सूचनाओं का पालन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उनके हृदय के अंदर में भगवान के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात बोले हैं कि भगवान के जो श्री चरण है उसमें अलग अलग साइंस है, और ये सारे साइंस को फॉलो करते हुए ब्रिजवासी वहाँ पहुँच गए। दूसरे श्लोक में हम जाएंगे। अंतर्हृदय भुजग भोगा परितामरात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयन्ते गोपंश्चामुधा दिशनन् परितापसुं च शंक्रांदता परमकस्मलमापुरर्था। वो सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो लोग भागते हुए पहुँचे यमुना की नदी के पास में खड़े रह गए, वहाँ जाने के बाद उनको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया माइंड में। अब यहाँ पे घटना क्या घटी थी वो जानना चाह रहे थे, लेकिन किससे पूछे, जिनको पता है वो तो सब मूर्छित पड़े हुए हैं,
जो व्रजवासी है वो जानना चाह रहे थे कि भाई कालिया क्या यमुना नदी से बाहर आके इन कृष्ण को उठा के लेके चला गया अंदर, या कृष्ण खुद खुद गए अंदर में, ये बात पता नहीं है। अब पता किनको थी, गोप बालक को, और वो सारे क्या है वहाँ पे मूर्छित पड़े हुए। पहले तो सब गोप बालक बहुत उत्साहित थे, कृष्ण को एंकरेज कर रहे थे, अरे तुम में बहुत शक्ति है। लेकिन एक्चुअली जब कृष्ण खुद गए और एक्चुअली जब उन्होंने देखा कि ये जो 1000 सिर वाले सांप के बाहों के अंदर में कृष्ण है, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा 1000 सिर वाला सांप नहीं देखा था, तो वो तो वहीं सब मूर्छित हो गए कि ये क्या हो गया। अब वो मूर्छित है, उनसे तो पूछ नहीं सकते कि भाई क्या हुआ है, तो सब कन्फ्यूजन में है कि भाई हुआ क्या। नेक्स्ट श्लोक, यहाँ पे तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। बोलते हैं कि यहाँ पे प्रूफ हम देख सकते हैं कि व्रजवासियों को कृष्ण से विशेष प्रेम था, क्योंकि यहाँ पे जब वो भागे हुए यमुना के तट पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके खुद के बच्चे भी वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी माँ ये नहीं बोल रही कि अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरा बेटा मूर्छित है, लाओ मैं उसको, उनको परवाह नहीं है कृष्ण को क्या हुआ। उनका ये सच प्रूफ सी, नहीं तो हम सोचेंगे कि ठीक है व्रजवासी भी प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, सब कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी प्रेम की डिग्री कितनी हाई है। हमारे लिए हमारा परिवार, बच्चे सब बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कृष्ण। तो यही फ़र्क है, व्रजवासी के लिए पहले कृष्ण, उसके बाद परिवार या सब कुछ उसके बाद। तो यहाँ पे उनके बच्चे मूर्छित है लेकिन उसकी फिक्र किसी को नहीं है, कृष्ण को कैसे लेके चला गया कालिया, यही सबकी फिक्र है। श्लोक नंबर 20, गोप्यानुराक्ता मनसो भगवते अनंते तत्सौहृदा स्मित विलोक गिरा स्मरंत्या ग्रस्तहीना प्रियतमे वृष दुख तप्ता शून्यम प्रिया व्यतिहृतम ददृशु त्रिलोकम। बहुत सुंदर बात बोली कि जो कुवारी गोपिया थी, जो भगवान कृष्ण को माधुर्य रस में प्रेम करती थी, वे सब जब कृष्ण को देख रही है कि ऐसे कालिया के फेनों में है, तो उनको सारी बातें याद आ रही है, कैसे हमसे बात करते थे, कैसे हमसे हंसते थे, कैसे हमारी तरफ देखते थे, उनकी दोस्ती उनको याद आ रही है, कैसे उनको हर एक चीज़। और जितनी याद आ रही है उसमें क्या हो रहा है, उनके हृदय में बर्निंग सेंसेशन। से आप जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो पर्सन अगर आपके सामने नहीं है तो कभी कभी हृदय में जलता है, तो ना उनको कृष्ण को वो मिस कर रहे हैं, उनको अब लग रहा है कि हमारा जीवन व्यर्थ है, शून्य है, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट श्लोक, ता कृष्ण मातरम अपात्यम अनुप्रविष्टा तुल्य व्यथा समनुग्रह सुचाश्रवंत्या तस्ता व्रज प्रिय कथा कथयंत्यासान कृष्णाननेर्पित दृशो मृतका प्रतीका। अभी माधुर्य रस में जो गोपिकाएं प्यार करती थी वो तो ठीक है, अभी दूसरी गोपिका है जो थोड़ी सी उम्र में बड़ी है, यशोदा माता के जैसी है, वो भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करती है, वो भी रो रही है। और उनकी व्यथा कैसी है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तुल्य व्यथा, माने ऐसा नहीं है कि कृष्ण तो यशोदा माता का बेटा है, अरे उसका बेटा को ऐसा हुआ इसलिए हम दुख कर रहे हैं, तुल्य व्यथा सेम, ना यशोदा माता से उनका शोक कम था ना यशोदा माता से उनका शोक ज़्यादा था, सेम, जितना यशोदा माता कृष्ण के लिए रो रही है वे भी रो रही है। यहाँ पे बोलते हैं व्रज प्रिय कथा, यशोदा माता इतना रो रही थी कि शायद वो अब अपना प्राण देने के लिए एकदम तैयार थी, लेकिन उनका प्राण बचा के रखा किन्होंने, इन गोपिकाओं ने कैसे बचा के रखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते भाई व्रज प्रिय कथा, ये व्रज प्रिय कथा माने कृष्ण के बारे में कुछ तो बोल के उनके मन को डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे यशोदा माता रो रही है तो अब सारी जो दूसरी गोपिकाएं हैं बोल रही है कि अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कृष्ण तो बहुत शक्ति वाला है, तुमको याद नहीं है जब 1 महीने का था तभी पूतना को मार दिया,
तीन महीने का था तब सत्तासुर को मार दिया, जब एक साल का था तब त्रिनवर्ता को मार दिया, जब दो साल का था तो वत्सासुर को मार दिया, चार साल का था तो बकासुर को मार दिया। ये क्या बड़ी बात है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बोल रहे नहीं, नहीं तुमको याद है एक बार कृष्ण ने कैसी चपल बातें की थी, तो ऐसा करके यशोदा माता का क्या कर रहे हैं, मन को डाइवर्ट करें। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते अगर रोकेंगे कथा प्राण चले जाएंगे, बस ऐसा प्राण एकदम ऐसे हथेली में, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में हथेली में लेके खड़ी है, भगवान की कथा रोकोगे तो प्राण चला जाएगा। तो सब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोल के उनका मन बहला रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि कथा तो बोल रहे हैं लेकिन जो कथा बोल रहे हैं वो भी कैसे खड़े हैं, मुर्दा जैसे, कॉप्स इंग्लिश में बोलते हैं कॉप्स, मुर्दा जैसे, उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं, बस ऐसे खड़े हैं, बोल रहे हैं यशोदा माता से, लेकिन दोनों आंखें कृष्ण की ओर देख रही कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कृष्णा आएंगे कि नहीं वापस, बस ये चल रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट लाइन, कृष्ण प्राणान निर्विसातो नंदानिन विक्षतम हृदम प्रत्येसे धात्स भगवान रामकृष्णानुभाववेत। बहुत सुंदर श्लोक है, यहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण प्राणान, कृष्ण सबके प्राण थे निर्विसतो, ये जिनके कृष्ण प्राण थे अभी उन्होंने सोच लिया कि हमें हमारा प्राण और रखना नहीं है, जब कृष्ण ही नहीं है तो जी के क्या करेंगे, अब सबने क्या करना शुरू किया, सब धीरे धीरे यमुना के पानी के अंदर में जाना शुरू कर दिया। अब बलराम जी एक्शन में आ गए, सबको पकड़ने लगे, नहीं 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 मत जाओ अभी कृष्ण आ जाएगा। अब कोई बलराम की बात सुन नहीं रहे, एक दो जने तो नहीं थे, बलराम अकेले थे, हजारों ब्रजवासी सब यमुना के नदी के किनारे खड़े थे। तो अब यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि बलराम जी एक्सपैंड हो गए बहुत सारे रूप में, तो एक रूप से जो बलराम जी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कृष्ण तो बहुत चालाक है, उसमें तो बहुत शक्ति है, सब ठीक हो जाएगा। किसी और को बलराम जी डांट रहे हैं, ए तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, किसी और को फिजिकली धक्का मार रहे हैं, तुम अंदर मत आओ, तुम वहाँ रहो, अभी कृष्ण वापिस आ जाएंगे। किसी किसी को सिर्फ मुस्काते हुए समझा रहे, मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक शेल्टर्ड स्माइल, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम शांति से रहो, तो सबको ऐसे कंट्रोल कर रहे एक साथ में बलराम जी, किसी को आने नहीं दे रहे। अब प्रश्न हो सकता है कि भैया फिर घर से ही आने क्यों दिया, वहीं रोक देते, यहाँ तक लेके आए तो पक्का पानी में तो सब कूदेंगे। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अगर घर से आने नहीं देते तो वहीं सब प्राण त्याग कर देते कि कृष्ण को क्या हुआ, तो पहले घर से आने दिया, उनके प्राण को बचाया, अब यहाँ आने के बाद उनको शरीर को बचा रहे हैं, जो शरीर से अंदर में एंटर करने के लिए तैयार हो गए हैं। कितनी सुंदर बात, ब्रजवासी सोच रहे हैं कि अब जब कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करें। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि नहीं, ये सांप के 1000 सिर है ना, एक सिर मैं पकड़ूंगा, एक सिर तुम पकड़ो, एक सब मिलके करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, कृष्ण अकेले नहीं कर पाएंगे, तो सब उस भाव से जो है अंदर में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी सुंदर एक प्रूफ है, इस दुनिया में हमें दो चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, एक तो अपने शरीर से और एक तो हमारे शरीर से जो उत्पन्न हुआ है बच्चे, ये दो चीज़ पे हमारी बहुत आसक्ति होती है, हमारे बच्चे और हमारा अपना शरीर। अब यहाँ पे पहले के श्लोक में प्रूव कर दिया कि उनको अपने बच्चों पे आसक्ति नहीं थी, प्रूव हो गया, क्योंकि बच्चे मूर्छित पड़े हैं वो देख नहीं रहे। अब ये भी बता दिया कि उनको अपने शरीर पे भी आसक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के शरीर पे, अपने शरीर पे भी, अगर अपने शरीर पे आसक्ति होती तो क्या सोचते कि नहीं नहीं भाई अब ऐसे कैसे एंटर कर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। उनको कोई परवाह नहीं थी, हम मर जाए, हम कुछ भी हो, हमें तो कृष्ण को बचाना है, उनको अपने शरीर पे भी आसक्ति नहीं थी। सी यहाँ पे दिखाते हैं कि व्रजवासियों का प्रेम कैसा है, उनके लिए कृष्ण सर्वस्व है और उनको कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिवोटीज तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन डिवोटीज में क्या है, हमें कृष्ण भी चाहिए और हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे व्रजवासियों को सिर्फ कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम देखते हैं महाभारत में जो कथा आती है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं कृष्ण के पास, दुर्योधन क्या मांगता है, सारी अक्षौहिणी सेना, अर्जुन क्या मांगता है, सिर्फ कृष्ण। अभी शायद सुनने में हमें बहुत आसान लगता है, तो उसमें बड़ी बात क्या है, मैं होती तो मैं भी ऐसे ही बोलती, शायद हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि उसमें क्या बड़ी बात है, अगर आप होते तो क्या करते, आप भगवान को मांगते या अक्षौहिणी सेना मांगते, हाँ भगवान को मांगते, पूर्णचंद्र प्रभु,
बताइए आप क्या मांगते हैं? शोभिनी माता जी आप क्या मांगते हैं? भगवान को मांगते हैं कि अक्षोहिणी सेना मांगते हैं? अभी तो बहुत आसान है ऐसा बोलना कि हम भगवान को मांगते हैं। अगर अच्छा आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जांपल दे दूं, अगर यहाँ कृष्ण खड़े हैं, अगर अब कृष्ण बोल दे कि सारी मटेरियल हैप्पीनेस, सारे प्रॉब्लम्स से मुक्ति, सब बच्चों को अच्छा से सेटल कर दूंगा, पैसा, नेम, फेम, जो भी तुम इच्छा करते हो मैं सब कुछ तुमको दूंगा, वन साइड, एक साइड वो सब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं मिलूँगा, क्या चाहिए? नहीं नहीं आई थिंक यही सब ठीक है। फिर हम बहाने देंगे, नहीं नहीं मेरे को वो पैसा और फैसिलिटीज सब किस लिए चाहिए? कृष्ण की सेवा के लिए, समझो मेरा लेवल बहुत हाई है, ये सब हमको कृष्ण की सेवा, ये सब अनुकूल नहीं होगा तो कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? बट एक्चुअली हमारी मेंटालिटी थोड़ी दुर्योधन जैसी है, हमें कृष्ण नहीं चाहिए। एक्चुअली हमें कृष्ण भी इसीलिए प्यारे लगते हैं क्योंकि कृष्ण की प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर कृष्ण एक बार भी बोल देना कि देखो मेरी प्रार्थना करने से तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर हम सोचेंगे दो बार कि भाई किसकी प्रार्थना करने से मिलेगा, चलो उसको पकड़ते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि व्रजवासियों का प्रेम कैसा है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कृष्ण चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। इतं स्वगोकुलं अनन्यगतिं निरक्षया शास्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतो आज्ञायमार्त्य पदवीं अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तम् उदातिस्त उरंगबंधात्। अभी बहुत सुंदर बात बोली है कि भगवान दो घंटे से, करीबन दो घंटे से जो है कालिया के फैनों के बीच में फंसे हुए हैं, और अब जब भगवान ने आंखें खोली है तब उन्होंने देखा कि ये सब जो रो रहे हैं मेरे अपने हैं, स्वगोकुलम, सब रो रहे हैं मेरे लिए। और कौन कौन रो रहा है? छोटे बच्चे, स्त्रियाँ, सी साधारण तो कोई कैसा भी हो, स्त्री और बच्चे रोने से दया आ जाती है, और भगवान तो ऐसे भी बहुत मर्सीफुल है। लेकिन प्रभुपाद जी का एक लेक्चर मैंने सुना था इसी लीला पे, कालिया लीला पे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण लव्स टू मेक एवरीबडी क्राई, भगवान को दूसरों को रुलाने में बहुत आनंद आता है और वो खुद भी अपने लिए रोते हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, दूसरों को भी रुलाते हैं और खुद भी अपने लिए रोते हैं। क्या उसका मतलब ये है कि भगवान क्रूर है? नहीं, भगवान जब दूसरों को रुलाते हैं उनके लिए, उनकी इच्छा ये है, क्योंकि अगर जब हम भगवान के लिए रोते हैं तब हमने जो भी पाप किया हुआ होता है हम उससे मुक्त होते हैं, भगवान के लिए रोना भी हमें पवित्र करता है, तो इसीलिए जब हम भगवान के लिए रोना अच्छी बात है, तो इसलिए भगवान रुलाते हैं और खुद भी अपने लिए रोते हैं। तो यहाँ पे जैसे भगवान ने देखा कि ये लोग सब रो रहे हैं मेरे लिए, तब भगवान ने सोचा ठीक है अब ये एक्टिंग बंद करता हूँ और एक्शन शुरू करता हूँ। सी साधारण जैसे हम भी जब देखते हैं, एक पोस्चर भी देखो कालिया कृष्ण का, ये सारे सांप के बीच में जब कृष्ण है हमें भी अच्छा नहीं लगता, हम तो भक्ति में इतने हायर स्टेज में भी नहीं है जैसे कि व्रजवासी है, फिर भी हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो इमेजिन व्रजवासियों को कैसा लग रहा होगा। और व्रजवासी भी रो रहे हैं, वहाँ जो पशु है वो भी रो रहे हैं, पंछी है वो भी रो रहे हैं, और ऊपर से ये जो पूरी लीला देख रहे देवता वो भी रो रहे हैं। अब कोई पूछ सकता है कि भाई उनको क्यों रोना आ रहा है, उनको तो पता है पूरा क्या होने वाला है, पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या है उनको तो पहले से पता है, सस्पेंस तो कुछ है नहीं, फिर भी रो रहे हैं। हम भी रोते हैं ना जब सिनेमा थिएटर में जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, हमें भी पता है ये सब एक्टिंग है, हीरो को कुछ नहीं हुआ है, उसको कुछ भी मार नहीं लगी है, फिर भी हीरो को मार लगेगी तो हम रोएंगे, हीरो खुश होगा तो हम खुश होंगे, हमें पता है फिर भी हम ये करते हैं। बस देवताओं का भी ये हालत, उनको पता है कृष्ण को क्या हो सकता है लेकिन देखा नहीं जा रहा है। अब जब हीरो को कुछ होता है सिनेमा थिएटर में हम क्यों रोते हैं?
इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उस 3 घंटे में हम उनके साथ एक रिश्ता बना लेते हैं, हम उसके साथ रिलेट करने लगते हैं। उसको अगर कोई गुंडा मारता तो लगता कि हमें लग गया, वो खुश होता तो लगता कि हम खुश हो गए। अब इमेजिन इनके लिए भी, ब्रजवासियों के लिए, वो रोज़ भगवान के साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, 24 घंटा उनको अपनी आँखों के सामने घूमते हुए, बात करते हुए, नाचते हुए देख रहे हैं। अब अपना कोई अगर ऐसा फंसा हुआ है तो रोना तो आएगा, इसलिए वो लोग रो रहे हैं। और भगवान को अब देखा नहीं जा रहा है कि मैं अब उनको काफ़ी रुला चुका हूँ, अब इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ। तत्प्रार्थ्य मानव पुषा व्यथितात्म भोगास त्यक्त्वो न माया कुपिता स्वफनान भुजंगा तस्तो स्वशन स्वसन रंध्र विशाम्बरीशा स्तब्धेक्षणोल मुक मुखो हरिमिक्षमाना। अब क्या कर रहे भगवान? धीरे धीरे कालिया के फेन में भगवान बंधे हुए हैं। अब धीरे धीरे भगवान अपने शरीर के साइज को एक्सपैंड कर रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए, भगवान तो योगेश्वर है। आजकल के छोटे मोटे योगियों के पास भी ये शक्ति है, अनिमा लघिमा महिमा, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, अपने शरीर को छोटा कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, तो ये तो योगेश्वर भगवान है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब भगवान ने क्या करना शुरू किया? एक्सपैंड होना शुरू किया। जैसे वो एक्सपैंड हो रहे तो अब कालिया को दर्द हो रहा है, वो भगवान को पकड़ के रखा था। अब जब भगवान एक्सपैंड हो रहे तो कालिया का शरीर में भी दर्द हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, इनका शरीर ऐसा बड़ा क्यों होता हुआ चला जा रहा है। तम जीवयाद विशिखाय परिले लिहाना द्वे श्री कवान ही अति करल विषाग्न दृष्टम क्रीदानमु परिससार यथा खगेन्द्रो बाभ्री हमसोपि अवसरम प्रसमीक्षमाना। अब क्या हो रहा है? अगेन एंड अगेन कालिया जो क्या कर रहा है, अपनी जो जीभ है उसको बाहर निकाल रहा है, भगवान की तरफ गुस्सा से देख रहा है और भगवान को बाइट करने की कोशिश कर रहा है, वो डंक मारना चाहता है ठाकुर जी को। एकदम टेरिबल पॉइजनस फायर उसकी आंखों से बाहर आ रहा है, लेकिन कृष्ण हंसते हुए खेल रहे हैं, कालिया का जो शरीर है उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा घूम रहे हैं, ऐसा घूम रहे हैं, कालिया भी घूम घूम के उसको चक्कर आ जा रहे हैं कि कहाँ से पकड़ू, क्योंकि भगवान घूमते जा रहे हैं और कालिया इज़ लुकिंग फॉर हिम कि मैं कैसे उसको पकड़ू। बहुत सुंदर बात यहाँ पे है, कालिया भगवान को अटैक क्यों करना चाह रहा है? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, कालिया अपनी नदी में आराम से सो रहा था, भगवान अंदर में गए, डुबकी लगाई उन्होंने तो आवाज़ हुआ तो कालिया उठा, और अब वो भगवान को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? बहुत सिंपल बात है, भगवान तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो अपना ही पानी में खेल रहे थे। आपने तो सुना पूर्व में सुखदेव गोस्वामी ने बताया ना कि जैसे पानी में भगवान खुदे पानी में वो खेलने लगे, आवाज़ करने लगे, तो कालिया का प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम ये है कि कालिया में ईर्ष्या भरी हुई है, वो सोचता है ये मेरा है और मेरे काली, मेरा ये जो हृदय है यमुना का, इसमें कोई नहीं आएगा, अगर मेरे इसके अंदर में, घर के अंदर में कोई आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूँगा, मैं उसको मार दूंगा। अगर आपने मेरा पहले का प्रवचन सुना हो तो मैं बता रही थी कि कैसे ये कालिया अपने पूर्व जन्म में क्या था, अश्वशीर और वेदशीर की कहानी बताई थी ना, कैसे दो साधु, एक साधु तपस्या करता है तो दूसरा साधु उसको आके बोलता है कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, ये तो मेरा आश्रम है, तुमको यहाँ से जाना चाहिए, और वो साधु बोलता है कि भाई तुम सांप के जैसे डंक क्यों मार रहे हो, किसी का भी आश्रम हो तुम भी तपस्या करो, मैं भी तपस्या, बोलता नहीं नहीं ये मेरा है, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। अब इसी स्वभाव के वजह से क्या हुआ था, वो सर्प बना था, अब सर्प बनने के बावजूद भी ये स्वभाव वो छोड़ नहीं पा रहा है, अब इस शरीर में भी उसका यही भाव है कि मेरे, तुम यमुना नदी का जो ये भाग है ये मेरा है, इसमें तुम नहीं आ सकते। कितनी सी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी शायद हम शरीर बदल ले लेकिन स्वभाव बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, शरीर बदलना नहीं स्वभाव बदलना। अगर हम स्वभाव नहीं बदल पाए तो शायद इस जन्म के बाद
हमें कोई और शरीर मिल जाए, अच्छा शरीर मिले, बुरा शरीर मिले, लेकिन स्वभाव नहीं चेंज करेंगे तो फिर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये होता ही रहेगा हमारा कंटिन्यूज़। उसका मतलब हमें वर्क करना है हमारे स्वभाव के ऊपर में। ये जो हमारा ईर्ष्या से भरा हुआ स्वभाव है कालिया जैसा, इस स्वभाव को हमें ठीक करना है दिस लाइफ टाइम, अभी ठीक करना है। अगर हम इसको ठीक करेंगे तभी नेक्स्ट लाइफ में हमें जो भी शरीर मिलेगा उसका हम ठीक से भगवान की सेवा में उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर ये स्वभाव नहीं छोड़ेंगे तो जो भी शरीर में चले जाए, हम जो भी योनि में चले जाए, हम देवताओं का शरीर भी पाए, फिर भी वहाँ भी ईर्ष्या करेंगे दूसरों के ऊपर। हम पशु जाति में जाएंगे तो वहाँ भी ईर्ष्या करेंगे, कहीं भी जाएंगे। हमारा ये ईर्ष्या का स्वभाव हमें छोड़ना है। दूसरों के ऊपर में ईर्ष्या, क्रोध, ये ऐसा क्यों करेगा मुझे, मैं इसका बदला लूँगा, ये स्वभाव हमें छोड़ना है। भक्तों का स्वभाव कैसा होता है, हम तो हरिदास ठाकुर की कथा सुनते हैं ना, 22 मार्केट प्लेस में उनको मारा गया, लेकिन जिन्होंने उनको मारा उनके लिए भी हरिदास ठाकुर ने क्या बोला कि इनको क्षमा कर देना, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्यों, उनको रिवेंज, बदला लेने की भावना उनमें नहीं थी। भक्तों में बदला लेने की भावना क्यों नहीं होती, रीज़न क्या है? क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। हमें गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। हम सोचते हैं मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण ये है, मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण ये है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि भाई इसका कारण ये नहीं है तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। ना हम करता हरि करता, ये बात हमें लिख लेनी चाहिए हमारी गाड़ी में, ऑफिस में, किचन में, हर जगह। ना हम करता हरि करता, मैं कौन हूँ करने वाला, वो कौन है करने वाला, जो करते हैं भगवान करते हैं, हरि करता। कल ही हम भगवद्गीता का 3रा अध्याय रिवाइज कर रहे थे, तब मैंने हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हर चीज़ के पीछे कारण है भगवान। जब ये बात हमें समझ में आ जाए तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, नहीं तो हम हमेशा दूसरों पर दोष देते हैं। सी बहुत सिंपल है, अगर किसी कुत्ते के सामने हड्डी रख दो तो कुत्ता क्या करेगा, हड्डी की तरफ देखेगा, खुश है हड्डी मिल गई खा लेगा। किसी शेर के सामने आप खाना रखो, शेर क्या करेगा, खाना की तरफ देखेगा नहीं, आपके तरफ देखेगा, जिसने खाना रखा है उसके तरफ देखेगा, ला लो इसको खा लेता हूँ। हमारी भी मेंटालिटी हमें ऐसी रखनी है, शेर की मेंटालिटी। जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना है, प्रॉब्लम के पीछे कौन है, हरि करता, भगवान कर रहे हैं, फिर गुस्सा ही नहीं आएगा। हमारी मेंटालिटी डॉग जैसी है, जो प्रॉब्लम होता है हम उसकी तरफ देखते हैं, ये प्रॉब्लम इसके वजह से हुआ है, ये प्रॉब्लम उसके वजह से हुआ है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि भैया इसके पीछे हाथ किसका है, हाथ किसका है इसके पीछे, हाथ तो ठाकुर जी का है। जब ये बात हमें क्लियर हो जाती है हमें गुस्सा ही नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, डॉग की मेंटालिटी नहीं रखनी, हमें क्या रखना है, लायंस मेंटालिटी। लायन क्या करता है, खाना को नहीं, खाना देने वाले को देखता है, हमें प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम के पीछे देखना है कि ठाकुर जी का हाथ है। हमारे जीवन में अगर अच्छा हो उसमें भी भगवान का हाथ है, हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा हो तो उसमें भी भगवान का हाथ है। जिस दिन ये इस बात को हम क्लियरली समझ जाएंगे हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे कालिया बहुत गुस्सा से देख रहा है कि मैं बदला लूँगा, और क्या करना चाह रहा है, भगवान को बाइट करना चाह रहा है। नेक्स्ट श्लोक पे चले जाएंगे, एवं परिभ्रम हतौ जशम उन्नतम साम आनम यतत् पृथुशिरस्व अधिरुद्ध आद्या तन्मूर्ध रत्न निकार स्पर्शति तम्रा पादाम भुजोखिल कलादि गुरुर्ननरता। बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सांप है धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति कम हो जा रही है, क्योंकि भगवान उसके ऊपर में अब क्या किए, खुदना शुरू कर दिए हैं। ये जो कालिया सांप के जो 1000 सिर है भगवान उस पर अभी खुद रहे हैं। श्री कृष्णा द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, भगवान के ऊपर तो सारा ब्रह्मांड है, और जब वो कालिया के ऊपर में पैर रखेंगे तो कालिया को कितना ज़्यादा वजन लग रहा होगा। और बोलते हैं कि
भगवान सिर पे पैर तो रखे हैं और उसके साथ में क्या करने लगे हैं, डांस भी करने लगे हैं। और जो कालिया का सिर ऊपर उठता है, भगवान उसके ऊपर पैर देते हैं, उसको नीचे करते हैं। फिर दूसरा सिर उठता है, फिर उसके ऊपर पैर देते हैं, फिर उसको नीचे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन बाय वन कालिया के हर एक सिर को भगवान नीचे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि हम जो ये सी कालिया के ही 1000 सिर नहीं थे, सिर तो 1000 हमारे भी है, अभिमान के सिर, मैं कुछ हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा इतना नाम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी दो ही चॉइस है, या तो आप वॉलंटियरली भगवान के सामने सिर नीचा करो, या तो भगवान को आता है आपका सिर नीचा करके कैसे उस पर कूदना है। अब हमारी चॉइस है, हम करना क्या चाहते हैं। रावण ने क्या किया था, अपने सारे 10 सर को काट दिया था, यज्ञ में आहुति दी थी, ये आपको पता है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये सब रावण करता है। और फिर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, रावण को लंका मिलती है। लेकिन उसी लंका को विभीषण ने क्या किया, सिर काटा था विभीषण ने, सिर झुकाया राम जी के सामने, उसको लंका मिल गई। अब अपनी इच्छा है तुम सिर काटोगे कि सिर को झुकाओगे, अगर सिर को झुकाओगे नहीं तो भगवान जानते हैं कैसे तुम्हारे सिर को झुकाना है। तो भक्त लोग तो बोल रहे हैं पाप मत करो, मंदिर आओ, जप करो, भक्ति जीवन में थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर तुम सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनते हो तो प्रकृति जानती है क्या करना है, अब तुम्हारी इच्छा है, या तो तुम वॉलेंटियरली सरेंडर करो या तो प्रकृति तुमसे सरेंडर करवाएगी। लेकिन सरेंडर तो होना है, कृष्ण को सरेंडर तो होना है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि भगवान एक बाय एक क्या कर रहे हैं, कालिया के सिर पे ये रख रहे हैं। तो सरेंडर होना या नमस्कार करना या अपने सिर को झुकाना, ये फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे भी होना चाहिए। फिजिकल लेवल में सिर झुकाना तो बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे बैठे हुए कुछ भक्त सोच सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो भगवान के सामने हमेशा झुकते हैं, हम मंदिर आते हैं तो हम प्रणाम करते हैं। आप शायद उनकी बात बोल रही है, जैसे कुछ मेटलिस्टिक लोग होते हैं या सो कॉल्ड कर्मी लोग होते हैं तो वो भगवान को शायद प्रणाम नहीं करते, हम तो भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रणाम बहुत आंतरिक भाव से बोला गया है, फिजिकल प्रणाम नहीं, मेंटली भी प्रणाम करना। अब आप बोलेंगे भाई फिजिकल प्रणाम और मेंटल प्रणाम में डिफरेंस क्या है, प्रणाम तो प्रणाम है, मेंटली भी हम भगवान को प्रणाम करें। नहीं नहीं, मेंटली प्रणाम करना माने भगवान को सरेंडर करना, सरेंडर करना, आश्रय लेना, ये है मेंटल प्रणाम। बहुत ही गहरा पॉइंट है, क्या आपने भगवान का आश्रय लिया है, आश्रय लेके प्रणाम करना। एक तो है आप एक्सटर्नली प्रणाम करो, एक भगवान का आश्रय लेके प्रणाम करो। आश्रय लेके प्रणाम करना मतलब क्या, अगर उसका एक लाइन में बोलूँ तो, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो वासनाएं हैं या इच्छाएं हैं, वो भगवान के इर्द गिर्द घूमे तो आपने भगवान को सरेंडर किया है। समझ में आया, आपकी जो इच्छाएँ हैं अगर वो आप गुरु और कृष्ण के इर्द गिर्द घूमे तो आपने सरेंडर किया है। सरेंडर मतलब पूरा पूरा सरेंडर। हम सुबह दर्शनार्थी के बाद क्या गाते हैं, श्री गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते कोरिया आरना कोरी हो माने आशा, आरना कोरी हो माने आशा। ये सरेंडर, श्री गुरु मुख पद्म वाक्य, श्री गुरु के मुख से जो वाक्य निकलता है, जो इंस्ट्रक्शंस निकलती है, उसके सिवाय मेरी और कोई इच्छा नहीं है, ये है कंप्लीट सरेंडर। तो क्या हम ये सरेंडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसका मतलब हम सिर्फ फिजिकली बोडाउन कर रहे हैं। हमारा बोडाउन होता है ओनली संडे टू संडे, मंडे टू सैटरडे मेरी जो इच्छा है मैं करूँगी, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा, मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगा, मुझे किसी के डायरेक्शन या परमिशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मर्जी के खुद मालिक हूँ, मुझे जो करना है, मुझे कितना जप करना है, मुझे क्या करना है, ये मेरी चॉइस है। सिर्फ संडे को मैं आके प्रणाम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर वो सरेंडर तो नहीं हुआ ना, वो तो फिजिकल हुआ ना, फिजिकल बोइंग डाउन। आप किसी को ओके हरे कृष्णा नमस्ते, जैसे बाहर के लोग बोलते हैं नमस्ते, आप ठीक है, बस हम उतने ही लेवल में हैं, नमस्ते कैसे हैं, पिछले संडे मिले थे, इस संडे मिले, सब ठीक है, बस। सरेंडर मतलब
आपका जीवन भगवान के, गुरु और कृष्ण की इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है, उसके सिवाय आपकी और कोई इच्छा नहीं है। तो फिजिकली बाउ करना तो बहुत आसान है, मेंटली बाउ करने के लिए शायद कुछ जन्म लग जाते हैं, कुछ साल, कुछ जन्म लग जाते हैं उस लेवल पे आने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकली तो अभी कालिया को बो डाउन करवा रहे हैं, अब आगे के श्लोक में हम देखेंगे कैसे भगवान मेंटली भी उसको बो करवाएंगे, उसकी सारी ईर्ष्या को बाहर निकालेंगे, फिर भगवान उसको छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे। अगर आप देखो ये डिफरेंस, दूसरे असुर जो है कृष्ण लीला में भगवान ने सबको मारा है, कालिया को मारा नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था, दूसरे असुर लास्ट मोमेंट तक भी ईर्ष्या से भरे हुए थे, लेकिन कालिया का क्या होता है, ओवर द टाइम पहले अपने शरीर से पॉइजन निकलता है, फिर धीरे धीरे अहंकार निकलता है, फिर धीरे धीरे ईर्ष्या बाहर निकल जाती है, फिर वो धीरे धीरे पवित्र हो जाता है, फिर भगवान उसको छोड़ देते हैं, प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिजिकली तो भगवान जो है उसके ऊपर में पैर रख रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसको मेंटली भी बो करवाएंगे। यहाँ पे एक सुंदर बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान के जो श्री चरण है एकदम कॉपर जैसे लग रहे हैं। क्यों कॉपर जैसे लग रहे हैं, क्योंकि कालिया के जो सिर है उसके ऊपर में बहुत सारे मणि है, अब भगवान जब उस पर नाच रहे हैं तो उनके भी पैर जो एकदम लाल लाल हो जा रहे हैं, और वो मणि में से जो प्रकाश आ रहा है भगवान के श्री चरणों पे गिर रहा है, और उनके पैर एकदम लाल लाल, एकदम तपता हुआ जो कॉपर है वैसा लग रहा है। उसके बाद भगवान नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं और फिर यहीं ख़त्म करेंगे। तम नर्तुमुद्यतम अवेक्ष तत्तदीया गंधर्व सिद्ध मुनि चरण देव वधवा प्रीत्या मृदंग पनवानक वाद्य गीता पुष्पोपहार नुति भी सहसोपसेदु। यहाँ पे बहुत सुंदर बात बोली कि भगवान ने अभी कालिया के ऊपर में डांस करना शुरू किया, जैसे भगवान ने डांस करना शुरू किया सारे स्वर्गलोक से गंधर्व सिद्ध चरण, सारे ऋषि मुनि, ये गंधर्व सिद्ध वगैरह की जो स्त्रियां है, पत्नियां, वे सब आ गई और क्या करने लगी, वे सब भी भगवान जो नाच रहे हैं उनके साथ में वो मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, सब पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, भगवान के ऊपर में फूल की वर्षा भी वो कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं ना, जब हम छोटे थे तब हमें अक्सर ये डाउट आता था कि जैसे ही हीरो हीरोइन पार्क में मिलते हैं और गाना गाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से आ जाता है, क्योंकि जब वो पार्क में एंटर होते तब तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, ना गिटार होता है ना कुछ, लेकिन जैसे ही दोनों गाना गाते तो पीछे सारा म्यूजिक आ जाता है। अब ये भी बॉलीवुड के आइडिया यहीं से आई है, यहाँ भी कृष्ण के हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो नाच रहे हैं, जैसे वो नाच रहे पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया है सारे, और ब्रजवासी भी सब देख रहे हैं कि भाई म्यूजिक कहाँ से आ रहा है, इतना सुंदर म्यूजिक आ रहा है। और यहाँ पे एक बात बहुत सुंदर बताते हैं कि सब गाना गा रहे हैं, करताल मृदंग बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई नाच नहीं रहा है, क्योंकि सबको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि इतना सुंदर नाचते हैं भगवान, हम तो उनके स्टेप के साथ स्टेप नहीं मिला सकते हैं, और अगर कोई नाचने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा बिठा दे रहा है कि तुम रहने दो, बस काफ़ी है, वहाँ देखो उतना काफ़ी है, कितना सुंदर भगवान नाच रहा है। भगवान नाचने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और डेफिनेटली एक्सपर्ट ही होंगे, अगर कोई सांप के सिर पे नाच सकता है जो इतना अनइवन होता है। अगर आप देखो पहले के ज़माने में गांव में ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, दो बैम्बू के स्टिक लगाते थे, बीच में रोप लगाएंगे और फिर कोई उस रोप के ऊपर में बैलेंस करता हुआ चलेगा, वो भी ठीक है, कम से कम वो बैम्बू हिलता नहीं है, शायद रोप थोड़ा सा हिले, लेकिन एक सांप के ऊपर में नाचना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इतना स्मूथ सरफेस है, स्लिप हो जाओगे और एकदम ऐसे ऐसे घूमता है। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में बोलते हैं कि कृष्ण इसलिए नाच पा रहे हैं क्योंकि उनके गुरु बहुत निपुण है। कौन है कृष्ण के गुरु? राधा रानी, राधा रानी। एक कथा आती है कैसे एक बार सब गोवर्धन के पहाड़ पे चढ़े हुए हैं सारे गोप बालक, और कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं और सारे गोप बालक नृत्य करके दिखा रहे हैं और कृष्ण और बलराम को जो है एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में कृष्ण बलराम ने बोला कि ठीक है आप लोग बैठो, अब
हम नाच के दिखाते हैं। अब जैसे कृष्ण और बलराम नाचते हैं तो सारे मुग्ध हो जाते हैं, इतना सुंदर नाचते हैं। फिर उनको शर्म आती है कि हमने नाचा ही क्यों, दिखाया ही क्यों उनको कि हम कैसे नाचते हैं, ये लोग तो इतना सुंदर नाचते हैं। ये पोस्टर आप देख सकते हो, बहुत जगह मैंने देखा ये इस्कॉन मंदिरों में भी, कृष्ण और बलराम, स्पेशली पूना में मैं देखी थी, कृष्ण और बलराम नाच रहे हैं और सारे गोप बालक देख रहे हैं। और फिर वो लोग पूछते हैं कृष्ण के, भैया तुमको नाचना सिखाया किसने? और फिर कृष्ण बोलते हैं कि मुझे राधा रानी ने नाच करना सिखाया। तो वो कथा में वो भी आता है कि इतना सुंदर नाचते हैं कि ये जो गोप बालक है वो पीछे पीछे पीछे, मतलब उनके नृत्य की तरफ देखते हुए पीछे पीछे पैर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल गोवर्धन के पहाड़ से गिरने वाले थे, योग माया उनको बचा देती है, उतना सुंदर भगवान नाचते हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में बोलते हैं कि अपने गुरु का मान रखने के लिए कृष्ण सांप के ऊपर भी नाच के दिखाया, क्योंकि देखो वो हिंदी में कहावत है ना कि नाचना आए आंगन टेढ़ा, जिसको नाचना आता नहीं ना वो हर चीज़ में बहाना निकालता है। एक्चुअली मैं तो बहुत अच्छा नाच सकती हूँ, म्यूज़िक अच्छा नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत अच्छा नाच सकती हूँ, ये मार्बल पे नाच नहीं सकते, ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, तो बहाने निकालते हैं। लेकिन जो नाचना जानता है वो कहीं भी नाच सकता है, तो कृष्ण तो एक्सपर्ट है तो कहीं भी नाच सकते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर वे नाच रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट श्लोक लेंगे हम। यद यच्चिरो नानमतेंगा सतेक शीर्षनास तन तन ममर्द खर दंड धरो निग्रीपते शीनायुषो भ्रमत उल्बनमस्य योतो श्रीन्नष्टो वमन परम कस्मलमापनागः। यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान ने क्या किया है, कालिया के 101 जो प्रोमिनेंट सिर थे उस पे ऑलरेडी भगवान ने उसको झुका दिया है। जब एक सिर ऊपर हो रहा है तो भगवान उसको फिर से मार के उसको नीचा कर रहे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे उसके जो सारे स्टबर्न हेड थे उसको भगवान ने नीचे झुका दिया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कालिया का जितना भी पॉइजन था सब बाहर निकल गया, अब पॉइजन बचा नहीं है इसलिए रक्त बाहर निकल रहा है, अब एकदम ब्लड बाहर निकल रहा है। और क्योंकि ब्लड बाहर निकल रहा है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब कोई ये सोच सकता है सुनने के बाद, भगवान इतने क्रूर क्यों है? अब जब उसको ऑलरेडी विष बाहर निकल गया है तो भगवान को बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैष्णव आचार्य कमेंट्री में बोलते हैं कि जिसको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भगवान वो देते हैं, जिसको जो ज़रूरत है, भगवान एक निपुण डॉक्टर है। डॉक्टर किसी किसी की सर्जरी करते हैं, किसी किसी को सिर्फ मेडिसिन दे के बोलते हैं आपको काफ़ी है, किसको कैसी ज़रूरत है वैसी ट्रीटमेंट भगवान देते हैं। भगवान अब उस क्या करना चाह रहे हैं, उसकी ईर्ष्या तो निकल गई, अब उसका अहंकार भी भगवान निकालना चाहते हैं। हम देखते हैं सुदामा को भी अहंकार था, किस चीज़ का अहंकार था सुदामा को, मैं कितना रिनन्शिएट हूँ, मेरे जैसा त्यागी कौन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कितना साधारण से जीता हूँ, एकदम एक छोटे से झुपड़े में रहता हूँ, फटे हुए कपड़े हैं, मेरे पास कोई भोग विलास की वस्तुएं नहीं है, मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। भगवान ने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य दे दिया, कितना ऐश्वर्य दिया, एकदम अपने समान उसको ऐश्वर्य दे दिया, और ऐश्वर्य दे के भगवान ने क्या किया, उसका अहंकार छीन लिया। अब बलि महाराज को उसके विपरीत अहंकार था कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो भगवान ने क्या किया, उसका सारा पैसा लेके उसके अहंकार को छीन लिया। तो भगवान की ट्रीटमेंट बहुत अलग है, सुदामा को अपने त्याग पे अहंकार था तो उसको पैसा दे के उसका अहंकार छीन लिया कि तुम कौन बड़े त्यागी हो, ये देखो ये सब तुम्हारा है। बलि महाराज को पैसा का उसका था तो उसको पैसे छीन के बोला तुम कौन बड़े आदमी हो। भगवान का सबके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। पांडवों के जीवन में देखो तो हमेशा दुख है, उस तरह से भगवान उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज के जीवन में देखो तो हमेशा सुख, अम्बरीश महाराज को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था एक्सेप्ट दुर्वासा का जो इंसिडेंट था, उनके पास हमेशा धन संपन्न सब कुछ ठीक था। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भक्त है तो उसको पांडव जैसा जीवन हो तभी वो भक्त हो सकता है, या कोई भक्त है तो उसके जीवन में सब आनंद ही होना चाहिए जैसे कि अम्बरीश महाराज का था। भगवान का सबके साथ अपना एक विशेष संबंध है और विशेष ट्रीटमेंट है जो हमें समझ में नहीं आता, उनका अपना एक डिवाइन प्लान होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कालिया के साथ एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका ईर्ष्या निकल गया, अब भगवान धीरे धीरे उसका अहंकार को भी निकाल रहे हैं। आज हम यहीं रोकेंगे,
आने वाले संडे हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है, कालिया को कैसे भगवान बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर बातें बताते हैं, उपदेश देते हैं, और उसके बाद आती है बहुत सुंदर स्तुति जो नागपत्नी करती है। कालिया की जो स्त्रियां हैं, पत्नी है, वे सारी बहुत अच्छी भक्त है और वो भगवान की स्तुति करती है, और उसके बाद कालिया का कैसे वहाँ से भगवान जो है उसको आशीर्वाद देते हुए, उसे ब्लेस करते हुए वहाँ से कोई और जगह भगवान उसको भेज देते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा है। आने वाले रविवार इस कथा को हम सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा।